नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्री ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था टू ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। उसमें हमने अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको टू लेवल में डिवाइड किया था। आज हम डिवाइड करेंगे थ्री लेवल्स में, या इसे हम थ्री कैटेगरीज भी कहते हैं। तो ये तीनों जो कैटेगरीज होंगी, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होंगी। और ये जो जेड है, बेसिकली ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और बाकी जो हमारा X1, X2, X3, ये सारे वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैट्रिक डेटा होगा। और ये जो जेड है हमारा, ये नॉमिनल या कैटेगरिकल डेटा हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अजम्पशंस भी और जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं टू ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में, सेम हमें वैसे ही फॉलो करने कि जो ऑब्जेक्टिव्स है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, वो ये है कि हम इसको क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज करते हैं। और बेसिकली हम करते क्या है, एक मॉडल बना के प्रिडिक्शन करते हैं और क्लासिफाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को कि ये किस पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। ठीक है, जैसे हमने थ्री ग्रुप्स बनाए, एक जो है हमारे जो परचेज ज्यादा करते हैं लोग, हैवी यूजर्स हो गए, वो हैवी बायर हो गए, या हाई परचेज बायर्स, मीडियम परचेज बायर्स और लो परचेज बायर्स। इस तरीके से हम थ्री कैटेगरीज बना सकते हैं, या हैवी यूजर, मॉडरेट यूजर और स्मॉल यूजर। इस तरीके से हमें थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज बना दी है। तो बेसिकली फिर उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पर, जैसे मान लीजिए हमें अब प्रिडिक्शन करना है, तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जब उनकी एक हमारा जो मॉडल है, जब हम उसमें कहेंगे कि आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, तब हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस पर्टिकुलर ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फॉर्म्स भी हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। और जो रिसर्च डिजाइन के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे भी हमने कहा था, वो नॉन मेट्रिक होगा, नॉमिनल स्केल का होगा, और उसमें थ्री कैटेगरीज होंगी, थ्री लेवल्स होंगे। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे सारे के सारे, वो कंटिन्यूअस मेट्रिक डेटा में होंगे। तो ये इसकी एक कंडीशन है। और ये मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से बस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सारे के सारे मेट्रिक फॉर्म में होते हैं, जबकि ये जो है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये नॉन मेट्रिक फॉर्म में होती है। अब देखिए सैंपल साइज की हम बात करते हैं, तो जो सैंपल साइज है वो 5:1 का होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसमें जो सैंपल साइज हो वो 20 का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, वैसे पर ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट है कि पर ग्रुप में 20 ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो सैंपल है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 50-50 में, या 60-40 के रेशो में, या 70-30, मतलब 100 में से 70 सैंपल साइज लिया हमने एस्टिमेशन के लिए और 30 का सैंपल लिया हमने वैलिडेशन पर्पस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैलिडेशन नहीं करेंगे, छोटा सा एग्जांपल है, केवल एस्टिमेशन हम करेंगे अपने मॉडल का, जो वैल्यूज आएंगे उसमें। और इसके बाद कुछ अजम्पशंस हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के, जैसे नॉर्मेलिटी, लिनियरिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, इक्वल वेरियंसिस एंड कोवेरियंस मैट्रिसेस के थ्रू हम ये जो बॉक्स एम प्लॉट, ये होमोस्कडास्टी की तरह ही है। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी जो एरर टर्म है, जैसे हम पहले निकाल चुके हैं, नॉर्मेलिटी के लिए जो हिस्टोग्राम बनता है और उसके ऊपर जो हमारा नॉर्मल कर्व होगा वो बेल शेप्ड में होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मल है। तो ये लीनियरिटी इसमें हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैटेगरिकल है। अगर दोनों ही वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक होते हैं, तब हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम लीनियरिटी देख सकते हैं कि जो ये डेटा है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, कोई कर्व तो नहीं ले रहा, ये किसी फनल शेप में तो नहीं है, तो वो लीनियरिटी हम उससे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियरिटी हम नहीं निकालेंगे। दूसरा है मल्टी कोलिनियरिटी। अगर हमारे जो थ्री या फोर जितने भी वेरिएबल्स लिए उनके आपस में हाईली कोरिलेशन है, तब हम कहेंगे कि ये, और हाईली भी मतलब है कि अगर 0.7 0.8 है, तब हम कहेंगे ये डेटा आपस में मल्टी कोलिनियर है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, अगर 0.6 से ज्यादा आती है तो वैल्यू आपस में जो कोलिनियरिटी की, तब हम कहेंगे कि कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 0.6 से कम है तब ये डिजायरेबल है, तब हम कहेंगे कि ये मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
दूसरा बॉक्स एम प्लॉट, इसमें ये जो हमारी पी वैल्यू होगी जब हम इस एनालिसिस करेंगे तो बॉक्स एम की वैल्यू आएगी, और वो जो पी वैल्यू है वो नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो पी वैल्यू है वो 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर एस्टिमेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट मॉडल एंड ओवरऑल फिट स्टेप वाइज एस्टिमेशन हम मेथड यूज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन हम नहीं करेंगे, वैसे वैलिडेशन करने के लिए हमको जो सैंपल साइज है वो बड़ा चाहिए, तो रिजल्ट दोनों के मोर और लेस सेम ही आने चाहिए वैलिडेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो केस स्टडी है, बहुत छोटी सी केस स्टडी है। देखिए, ये हमारे पास हमने चार वेरिएबल्स लिए हैं। जो पहला वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट्स क्वांटिटी बाइंग इन शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं, कुछ मीडियम क्वांटिटी खरीदते हैं, कुछ लो क्वांटिटी खरीदते हैं, इस तरीके से हमने इनको कैटेगराइज किया है। और ये जो वेरिएबल है हमारा नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है। फिर सेकंड जो तीन हमने यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे इनकम, फैमिली की मंथली इनकम हमने रुपीज में ली है, तो ये देखिए 1000 में है, जैसे 51 हमने लिया है। तो ये सारी यूनिट हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम 50,000 या उससे ज्यादा की वैल्यू लेते तो यूनिट थोड़ी हमारी डिफरेंट हो सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो परसेप्शन है वो भी 100 पॉइंट्स में से दिया, और एज भी जनरली हम 100 ही मानते हैं, वैसे तो 70-80 तक का हमने डेटा इसमें लिया, 71-72 तक का। ठीक है, अभी देखिए फैमिली मंथली इनकम ये हमारा स्केल में हो गया कॉन्टिन्यूस स्केल, परसेप्शन भी हमने कॉन्टिन्यूस में लिया, मतलब मैट्रिक और एज भी मैट्रिक, तीनों जो हमारा एक क्वेश्चन है ये मैट्रिक है, और एक हमारा नॉन मैट्रिक क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल जो बाइंग पैटर्न है। तो बाइंग डिपेंड है इनकम के ऊपर भी, परसेप्शन के ऊपर भी। आप शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं आपका परसेप्शन क्या है, अगर परसेप्शन फेवरेबल है तो नेचुरली आप वहाँ प्रोडक्ट बाय करेंगे, और अगर आपका एटीट्यूड फेवरेबल नहीं है, परसेप्शन आपका पॉजिटिव नहीं है, तब आप वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ये है एज, एज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आप, हो सकता है जो यंगस्टर्स होंगे वो ज़्यादा खरीदते हों प्रोडक्ट, और जो ओल्ड एज के लोग हैं हो सकता है वो कम खरीदते हों, तो ये भी एक वेरिएबल है। और इसके अलावा और भी वेरिएबल हो सकते हैं जो बाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। अभी हमने केवल केस स्टडी को समझने के लिए तीन ही वेरिएबल लिए, फैमिली मंथली इनकम इन रुपीज, परसेप्शन टुवर्ड्स शॉपिंग मॉल, और एज ऑफ द फैमिली हेड। ये हमारे पास तीन सिचुएशन है जिसमें ये जो क्वांटिटी है हाई क्वांटिटी बाइंग करते हैं, मीडियम क्वांटिटी बाइंग करते हैं, और जो तीसरा ग्रुप है 30 का टोटल ग्रुप है, 10 का हमारा जो ग्रुप है वो लो क्वांटिटी। ठीक है, तो केस स्टडी बिल्कुल सिंपल है। अब हमें इसमें बस यही देखना है कि ये जो हमारा बाइंग पैटर्न है किसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस इनकम करता है, परसेप्शन करता है, या एज करता है बाइंग पैटर्न को, कि ज्यादा बाइंग करनी है, मीडियम बाइंग करनी है, या स्मॉल बाइंग करनी है, कम बाइंग करनी है। ठीक है, अब देखिए ये जो है हम आते हैं क्लासिफाई पे, क्लासिफाई के बाद डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, और इसको हम पहले रिसेट कर दें। देखिए ये प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है इसकी जो वैल्यू है ये 1 मिनिमम और 3 हमने दी थी जो स्मॉल यूजर है, जो कम या लो क्वांटिटी खरीदते हैं उनके लिए, और तीनों जो वेरिएबल्स हैं हमारे ये इंडिपेंडेंट बॉक्स में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम यूज स्टेप वाइज मेथड यूज करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, हमें मीन्स चाहिए, यूनिवेरिएट एनोवा चाहिए ग्रुप डिफरेंसेस को जानने के लिए, बॉक्स एम प्लॉट चाहिए वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिसेस को चेक करने के लिए, और ये फिशर्स एंड अनस्टैंडर्ड फॉर्म में हमें फंक्शन कोएफिशिएंट चाहिए, और मैट्रिक्स जो है हम केवल ग्रुप कोरिलेशन मॉडल ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद क्लासेस और ग्रुप इक्वल, क्योंकि 30 का हमें तीनों 10-10 के लिए हैं, तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। केस वाइज रिजल्ट हम चाहते हैं जिससे इंटरप्रिटेशन कर सकें, समरी टेबल भी हम चाहते हैं फाइंड आउट करें, और ये कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद शेव हम कर सकते हैं इसमें प्रिडिक्टेड ग्रुप मेंबरशिप और डिस्क्रिमिनेंट स्कोर, ये दो चीजें हमें प्रिडिक्टेड ग्रुप और डिस्क्रिमिनेंट स्कोर चाहिए हमें हर एक इंडिविजुअल बायर का, और इसके बाद हमें देखिए ये ओके कर दिया।
अब वन बाय वन हम पहले इनको समझेंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे पहली टेबल आई है यह एनालिसिस केस प्रोसेसिंग समरी, इसमें 30 ही हमारे पास रेस्पोंडेंट है, 30 के 30 100% हमने डेटा लिया है। दूसरा देखिए ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में जो लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं उन्होंने फैमिली मंथली इनकम उनका जो था 59.8, परसेप्शन टुवर्ड्स शॉपिंग मॉल 76 और एज ऑफ द फैमिली हेड की 46 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये इनकी वैल्यू है। अब ये लार्ज क्वांटिटी जो है क्या ये इससे मीडियम क्वांटिटी से डिफरेंट कर रहा है और लो क्वांटिटी से, तो ये एनोवा टेबल के थ्रू जब हम मोर देन टू कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं तो एनोवा लगाते हैं और जब दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं तब इंडिपेंडेंटी टेस्ट, तो यहाँ पर हम एनोवा की टेबल देखिए ये आ गई। तो ये 59, 49 और 38 क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो ये हमें यहाँ पर देखिए ये जो पी वैल्यू ये बता रही है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है फैमिली मंथली इनकम में, ठीक है। अब सेकेंड जो है हमारा वेरिएबल है इसमें परसेप्शन टुवर्ड शॉपिंग मॉल, ठीक है, इसमें जो परसेप्शन है 76.2, 51 और 53, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है, यस ये भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। थर्ड वेरिएबल जो है एज ऑफ द फैमिली हेड 46, 57 और 64, देखिए एज में कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर कहेंगे यस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले अच्छा जो विल्स लैम्डा है जैसे शॉपिंग मॉल टुवर्ड्स, इसमें विल्स लैम्डा ज्यादा अच्छा है हमारा, मतलब कहने का मतलब है विल्स लैम्डा जो होगा हमारा वो बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स होता है, जितनी इसकी वैल्यू जीरो के आसपास होगी उतना अच्छा माना जाता है और जितनी इसकी वैल्यू हाई होगी उतना हमारे लिए ये डिजायरेबल नहीं होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगली जो टेबल है हमारे पास वो है कोरिलेशन मैट्रिक्स। देखिए इनमें आपस में कोरिलेशन है, मैंने कहा कि मल्टीकोलरिटी की कोई प्रॉब्लम इस पूल्ड विद इन ग्रुप मैट्रिक्स से हम मल्टीकोलरिटी चेक कर सकते हैं, तो इसमें हमें मल्टीकोलरिटी की कोई समस्या नजर नहीं आ रही क्योंकि 0.6 से अगर वैल्यू कोई ज्यादा होती तब हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, कोरिलेटेड है आपस में हाई, तो यहाँ पर मल्टीकोलरिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला तो एज्यूम्पशन हम कर चुके हैं, पहले नॉर्मेलिटी हम निकालते हैं, लिनियरिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तीसरा है हमारा जो चौथा है बॉक्स टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कोवेरियंस वाला, इसकी जो वैल्यू है हमारी वो 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए, देखिए ये वैल्यू भी हमारी 0.655 आ गई, ये भी डिजायरेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब एज्यूम्पशन हमारे फुलफिल हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वेरिएबल एंटर्ड है देखिए पहले परसेप्शन टुवर्ड्स शॉपिंग मॉल, फिर उसके बाद एज ऑफ द फैमिली हेड, ये हमने एंट्री की है। अब इसके बाद देखिए वेरिएबल्स इन द एनालिसिस में, पहले मॉडल में तो है परसेप्शन टुवर्ड्स शॉपिंग मॉल, दूसरे वाले में है परसेप्शन टुवर्ड्स शॉपिंग मॉल और एज ऑफ द फैमिली हेड, तीसरा नहीं है इसमें, ठीक है ना, इनकम वाला भी इसमें हमने नहीं लिया है। तो ये जो मेन मॉडल है इसमें केवल टू वेरिएबल्स ही हमारे होंगे। अब ये देखिए जो विल्स लैम्डा है ये बहुत पहले मॉडल में 0.231 और जब हमने सेकंड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया इसमें तो और ये इम्प्रूव हो गया 0.167, जिसकी इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए जो कि हमारे स्टडी के लिए डिजायरेबल है। अब जो आइगन वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बेसिकली आइगन जो वैल्यू है हमें बताती क्या है, ये देखिए आइगन वैल्यू का हमने जो फॉर्मूला बताया था ये है सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ देखिए ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप और ये है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, ये इसमें जो है वैल्यूज हम पुट करके लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू की हम निकाल सकते हैं। अब आइगन वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने पिछली बार मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस लगाया था, ये देखिए फिर से हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम चेक कर सकते हैं, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल इधर लिया हमने और तीनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर लिया और इसमें स्टेप वाइज लगा के ये हमारे पास आउटकम्स आ गए। देखिए तो ये जो है बेसिकली इसमें जो हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है रिग्रेशन, ठीक है, और सेकंड वाले में देखिए रिग्रेशन और रेजिडुअल। तो जब इसको हम ये देखिए आइगन वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, ये मैं देखिए अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। रिग्रेशन हमारा है 15.5
पॉइंट सॉरी ये आ गया हमारा 15 पॉइंट जो रिग्रेशन है सॉरी 15 नहीं 16 15 पॉइंट 2 चलिए इसको लेते हैं 284 पहले मॉडल के लिए निकालते हैं और डिवाइड करते हैं इसको 4.71 इसके बाद आएगा 16 ठीक है ये हमारे देखिए वैल्यू आ गई 3.2। अब यहां पर हम चेक करते हैं जो विल्स लैम्डा की वैल्यू है पहले वाले में सॉरी आइगन वैल्यू ये देखिए ये 4 पॉइंट हमने पहले मॉडल के लिए निकाली थी। अब जो है हम जो ओवरऑल दोनों के लिए हम जब निकालेंगे तो इसमें हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे देखिए ठीक है ना जब हमने दोनों वेरिएबल्स को लेके लिया है तब इसकी जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। ये जो है 16 इसको देखिए 16 पॉइंट ये तो पहले के लिए निकाली हमने अब जो दूसरा जो फाइनल मॉडल है हमारा 16.553 और डिवाइडेड बाय 3.447 तो ये देखिए हमारे पास आ गया 4.8 ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं जो हमारा आइगन वैल्यू है ये 4.8 समथिंग आ गया 4.8 है ना यहाँ पे 4.99 आ रहा है। खैर ये निकालने का हमने तरीका बताया बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन ये जो फॉर्मूला है और समय ये जो है हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट ये आइगन वैल्यू की। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो आउटपुट है इसको हम इंटरप्रेट करते हैं ये आ गया लैम्डा का हो गया इसकी वैल्यू आ गई ये काफी डिजायरेबल है। अब ये जो कैनोनिकल कोरिलेशन है बेसिकली जो ये कैनोनिकल कोरिलेशन हमें बता क्या रहा है कैनोनिकल कोरिलेशन केवल हमें ये बता रहा है कि जो वेटेड जो कोरिलेशन बिटवीन दी वेटेड लीनियर कंपोजिट और जो मल्टीपल प्रिडिक्टर के बीच में जो आउटकम वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितना हाईली कोरिलेशन है तो ये वैल्यू हमारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही डिजायरेबल होगा ठीक है। अब ये जो इसकी वैल्यू आई है कैनोनिकल कोरिलेशन इससे हमें क्या पता चलता है ये देखिए जब हम ये जो वैल्यू हमने निकाली है लैम्डा की ये देखिए यहाँ पे जैसे हमारी वैल्यू आई थी 4.9 ये देख लीजिए एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं ये जो हमारी वैल्यू 4.994 और डिवाइडेड बाय 4.994 और इसको हम प्लस वन और कर देते हैं इसमें तो ये जो वैल्यू आई है हमारी चलिए इसको इस तरीके से करते हैं ये जो है 4.994 और डिवाइडेड बाय प्लस वन और कर लेंगे इसमें हम लोग ठीक है तो ये हो जाएगी 5.994 ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर रूट लेने के बाद देखिए 0.912 तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.91 इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसमें एक चीज और देखते हैं ये जो विल्स लैम्डा है ये 1 माइनस ईटा स्क्वायर तो लैम्डा की जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा हमारा ये वेरिएंस बेसिकली वेरिएंस को बता रहा है कि इन तीनों वेरिएबल्स से कितना ये एक्सप्लेन कर पा रहा है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए तो जो लैम्डा की वैल्यू है हमारी वो है 0.167। अब ये देखिए हम ईटा स्क्वायर निकल सकते हैं 1 माइनस 0.167 ठीक है ये हमारी वैल्यू आ गई इतना और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 83.3% ये वेरिएंस कर रहे हैं तीनों वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ठीक। अब हम अगली जो हमारे पास टेबल है उसको हम पढ़ते हैं।
ये है स्टैंडर्डाइज्ड कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कोफिशिएंट, ये फंक्शन वन और ये फंक्शन टू। होता क्या है, जब हम थ्री कैटेगरी लेते हैं तब उसमें दो हमारी डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू आएगी, टू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एक जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन होगा वो पहला वाला ग्रुप टू और थ्री को डिस्क्रिमिनेट करेगा, दूसरे वाला जो डिस्क्रिमिनेट होगा सेकंड वाला वो वन और थ्री को डिस्क्रिमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है इसमें 0.922 और एज ऑफ द फैमिली मेंबर से -0.587 और ये हमारा जो है वैल्यू जो फंक्शन टू है। बेसिकली हम इस तरीके से जो वर्टिकल में फंक्शन टू लेते हैं और हॉरिजेंटल में फंक्शन वन लेते हैं, तो ये उनके कितने करीब है ये उसके बारे में हमें बता रहा है। दूसरा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स है, ये स्ट्रक्चर मैट्रिक्स बिल्कुल फैक्टर एनालिसिस की तरह है, जैसे फैक्टर वन, फैक्टर टू और ये वेरिएबल v1, v2, v3, ये बेसिकली ये कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल v1 एंड ये डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन वन, ये बेसिकली कोरिलेशन बता रहा है इनके बीच में। ये जो दोनों है ये वन को हाईली कोरिलेटेड कर रहे हैं और ये वाला जो थर्ड वेरिएबल है वो सेकंड फंक्शन को ज्यादा कोरिलेटेड कर रहा है, उसके ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अब जो कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, हमारी जो मेन इक्वेशन है देखिए ये है वाई, ये मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं। जो मेन इक्वेशन है देखिए, हमारा जो मेन मॉडल आया है वो है मेन मॉडल पॉइंट, देखिए मैं इसको लिखता हूं यहां पर, ये इसको यहां पर देखिए जेड इक्वल टू है ना, जेड इक्वल टू -0.833, फिर है -0.072 इनटू मैं एज कर देता हूं इसको, ये आ गया एज है ना, और फिर इसके साथ है प्लस ये आ गया है 0.091 इनटू ये है हमारा परसेप्शन आ गया, ठीक है। ये मेन हमारा मॉडल आ गया डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन वन के लिए, और सेकंड के लिए ये आ गया, लेकिन हम इसी से इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, जैसे ये ग्रुप सेंट्रोइड की बात हम करें तो ये देखिए, ये जो ग्रुप सेंट्रोइड है ये जो वैल्यू है हमारी ये 2.710, ये कैसे आई और ये कैसे आई और ये कैसे आई, ये हम अभी एक्सेल शीट पर निकाल कर करते हैं इसको। देखिए पहले तो सेंट्रोइड, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास कैसा है, 2.710 -0.244, ये डिस्क्रिमिनेंट स्कोर जो वन है इनका एवरेज है बेसिकली सेंट्रोइड का, मतलब जो 10 लोग हैं ये मीडियम वाले जो 10 लोग हैं जो लो क्वांटिटी खरीदते हैं उनका। अब ये देखिए ये हम कैसे लाते हैं, एक बार इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास 10 वेरिएबल्स की वैल्यू है, इसको हमने कॉपी किया, इनका हमें बेसिकली करना क्या है, मीन निकालना है। ये देखिए ये 10 जो है हमारे पास, इनके हमारे पास वैल्यू आ गई, और वैल्यू आने के बाद देखिए ये जो है इसमें हम जो है इनका जो एवरेज है वो निकालेंगे। एवरेज के लिए फॉर्मूला और ऑटो रन एवरेज, ये आ गया 2.709। ये देखिए क्या ये 2.709 आ रहा है, 2.709 मतलब लगभग वही है। अब दूसरा है -0.24, ठीक है। अब इसको देखिए जो सेकंड वाले हैं दो 10 लोग जो हमारे रेस्पोंडेंट है उनका जो मीन आ रहा है उसको भी हम निकालेंगे अभी एक्सेल से। ये देखिए ये हमने इनको इस तरीके से रखा और इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इनको हमने सबको इनका एवरेज निकाला तो एवरेज आ गया -0.244। ये देखिए ये जो वैल्यू है हमारी ये -0.244 आ गया, और तीसरे का है -2.466, इसको भी हम निकालते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है जो कम परचेज करता है, लो क्वांटिटी वाले जो लोग हैं शॉपिंग मॉल कम खरीदते हैं, उनका 10 लोगों का डिस्क्रिमिनेंट वन का हमने स्कोर लिया
और इसको भी हमने देखा कि इनका जो एवरेज आ रहा है वो कितना है, इसको भी हमने यहाँ पर एक्सेल के थ्रू निकाल लिया। और इनका जो एवरेज आएगा ये देखिए, ये इसका एवरेज आया हमारे पास -2.46। ये देखिए क्या ये सही है, -2.46, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा मॉडल है, हम किसी भी पर्टिकुलर एज की वैल्यू रख दें, मान लीजिए कोई भी केस नंबर 30 केस है, तो 30 में 25 का हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास उसका स्कोर आ जाएगा और हम बता देंगे कि ये किस ग्रुप में जाएगा। ये हैवी यूजर, हैवी क्वांटिटी खरीदता है शॉपिंग मॉल में, या मीडियम क्वांटिटी खरीदता है, या लो क्वांटिटी खरीदता है, इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज के बेसिस पर और उसका परसेप्शन का स्कोर क्या है। अब दोस्तों कौन जो पर्टिकुलर स्कोर आते हैं, ये देखिए जैसे इसमें तो 33% जो जो है प्रायोरिटी है वो हमने पहले से लिया है 10-10 का, और क्लासिफिकेशन फंक्शन ये हमारे पास जो है लार्ज क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और लो क्वांटिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आ गया हमारे पास। अब ये जो केसेस हैं, जैसे ये 1 और 1, जो कि इसकी वैल्यू कितनी है 2.06, तो ठीक है ये ऐसा माना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसको समझने के लिए कि किस पर्टिकुलर स्कोर के लोगों को ग्रुप 1 में आना चाहिए, किनको ग्रुप 2 में आना चाहिए, किसको ग्रुप 3 में आना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये थोड़ी सी चीज़ें समझने की है। ये मैंने कोशिश की है, देखिए इसको, जैसे हमने यहाँ पर एक स्कोर लिया, ठीक है, और मैं अभी देखिए इसको मैं 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ, और जो तीसरा ग्रुप है मेरा वो है इनमें तीनों में, मैं दोनों में वैल्यू रखूंगा, ठीक है। हमारे पास जो स्कोर आया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इसको लिखता हूँ मैं ग्रुप GROUP ग्रुप 3। यहां मैंने लिखा है ग्रुप GROUP 2nd, और इसके बाद जो ग्रुप है तीसरा वो फर्स्ट है, इसको मैंने यहां पर लिखा GROUP 1 ग्रुप 1, ठीक है। अब हमें ये मैंने ग्रुप इसलिए बनाया है क्योंकि कोई भी जब इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हम ये व्यक्ति पर्टिकुलर जिसका स्कोर एज और परसेप्शन का लिया है वो ग्रुप 1 में जाएगा, 2 में जाएगा या 3 में जाएगा, ठीक है ना, हम ये कैसे प्रेडिक्शन करें। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, देखिए दोस्तों ये अभी जो हमने सेंट्रोइड की वैल्यू निकाली थी ये है 2.710। देखिए इनका मीन निकाल लेते हैं दोनों का। ये है हमारे पास जो पहला लार्ज क्वांटिटी 1 ग्रुप रखा हमने, और मीडियम क्वांटिटी दोनों का पहले हम मीन निकालेंगे 2.710 प्लस माइनस 0.244, ये हमारा आ गया। इसका हमने मीन निकाला, डिवाइड बाय 2 से किया, तो ये स्कोर आ गया हमारे पास 1.233। तो यहां पर हमने लिख लिया 1.233, ठीक है। और जो है इसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये 1.33 हमारा आ गया इस ग्रुप के लिए। ग्रुप मतलब कहने का कि जिनका स्कोर इस 1.233 से ज्यादा होगा वो हमारे ग्रुप 1 में आएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद जो है हमने जो मीन स्कोर निकाला है ये हम निकालते हैं, सॉरी ये आ गया हमारे पास -0.2, ये सेकंड और थर्ड निकाले 0.244, ये देखिए ये हमने निकाला है -0.244 और -2.466 डिवाइडेड बाय टू, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस
ये 1 आएगा यहां पर 1.3 और ये वैल्यू एक बार चेक कर लें 3.55। तो दोस्तों अब जिन ये देखिए जिनकी वैल्यू -1.355 से कम होगी, जैसे -1.58 -2.3 मतलब -1.355 से कम होगी, वो सारे के सारे लोग जिनकी डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू -1.1355 से कम होगी वो ग्रुप थ्री में आएंगे, जिनकी वैल्यू -1.355 से 1.233 के बीच में आएगी वो ग्रुप टू में होंगे, और जिनकी वैल्यू 1.233 से ज्यादा आएगी वो ग्रुप वन में आएंगे। अब इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या ये सही है हमारा जो रिजल्ट हमने निकाला है। ये देखिए ये हमारा जो है केस वाइज, हम जो केस वाइज स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, केस वाइज स्टैटिस्टिक्स में देखिए एक्चुअल ग्रुप ये 1 है और प्रेडिक्टेड भी इसने 1 किया है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी 2.067। यहां पर देखिए क्या ये वैल्यू सही है ग्रुप 1 में, यस ये 1.233 से। अब सारी वैल्यूज हमारी जो होंगी ग्रुप 1 की, देखिए 10 रेस्पोंडेंट है हमारे पास, ये देखिए 10 रेस्पोंडेंट, इनकी जो वैल्यू होगी सभी की 1. ये देख लेते हैं एक बार हम 1, ये रहा ये जो 10 रेस्पोंडेंट है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबकी वैल्यू 1.233 से ज्यादा है, तो ये ग्रुप 1 में आ गए। ग्रुप 2 में कौन आएंगे जिनकी 1.2 से कम है, ये देखिए 1.23 से कम है और ये -1.355 से ज्यादा है, ये देखिए ये भी ज्यादा है, ये कम है, ये सॉरी हाँ इससे ज्यादा है जो वैल्यू, मतलब जैसे 1 -1.355 से ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी -1.03 और छोटी वैल्यू होगी -1.456, इस तरीके से ये जो सारी वैल्यू इधर जाएंगी नेगेटिव साइड में, तो ये वाली भी इसी रेंज में आ रही है, ये भी इसी रेंज में, ये भी इसी रेंज में, ये भी इसी रेंज में, ये भी नहीं, ये वाली गड़बड़ कर रही है, ये है -1.651, तो ये तो ग्रुप 2 में नहीं आएगा, ये तो ग्रुप 3 का केस है। अब देख लें जरा इसको, क्या ये मिसक्लासिफिकेशन है कि यस, ये देखिए मिसक्लासिफिकेशन का केस आ गया। दूसरा ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी इसकी -1.811, देखिए ये भी मिसक्लासिफिकेशन का केस आ गया, क्योंकि हमने तो कहा था -1.355 से जिनकी ज्यादा होगी वो ग्रुप 3 में जाएंगे और ये अपना आपको शो कर रहा है ग्रुप 2 में, ये देखिए। तो जब ग्रुप 2 में ये शो कर रहा है ना, ये देखिए होना चाहिए 2 में लेकिन वैल्यू इसकी आ गई है 3 की, तो ये मिसक्लासिफाई हो गया, क्योंकि अगर 2 में आना था तो इसकी वैल्यू -1.355 से बड़ी होनी चाहिए थी और 1.233 से कम होनी चाहिए थी, तो ये तो देखिए दो हमारे पास मिसक्लासिफिकेशन आ गए हैं जो सेकंड ग्रुप में। और देखिए कोई मिसक्लासिफिकेशन है, यस एक मिसक्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया 2, ये 3 ग्रुप में होना चाहिए, 3 ग्रुप होने का मतलब है, ये देखिए जब 3 ग्रुप का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है -1.355 से कम होनी चाहिए। अब ये देखें कि क्या इसकी वैल्यू -1.3 से कम है। अब जो हमारा आउटपुट है इसको हम आउटपुट को देखते हैं, ये देखिए ये जो इसकी वैल्यू आ रही है यानी -0.867 ये, जबकि ये देखिए ये तो ग्रुप 2 में आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आ किस में रहा है ग्रुप 3 में, तो ये मिसक्लासिफिकेशन का केस हो गया, ये 3 में आना चाहिए था लेकिन आ रहा है ये सेकंड में, तो ये मिसक्लासिफिकेशन का केस है। तो इस तरीके से अब हमें ये देखना है कि मिसक्लासिफिकेशन हमारे कितने हैं, मतलब करेक्टली हमने कितने लोगों को प्रेडिक्ट किया। तो पहले वाले में तो ठीक है 10 के 10 प्रेडिक्ट थे, सेकंड वाले में 2 मिसक्लासिफिकेशन है, जो मीडियम में हमारे जो थे वो लो क्वांटिटी में आ गए, और जो 8 है वो बिल्कुल सही क्लासिफाई है, जो लोग वाला है इसमें 1 जो है मीडियम क्वांटिटी में आ गया है, जबकि ये जो था ये लास्ट वाला ही देख रहा था ना, ये आना चाहिए था, इसकी वैल्यू -1.33 से कम होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा है, ये जो हमारा जो था मीडियम क्वांटिटी में आना चाहिए था, तो ये आ गया हमारा लो क्वांटिटी वाले में। तो इस तरीके से जो हमने ओरिजिनली जो 95% जो ग्रुप हैं उनको करेक्टली क्लासिफाइड किया है इस स्टडी के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरीके से हमने जो अपना डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस थी वो इस तरीके से परफॉर्म किया है।
इससे हम बेसिकली वेरिएंस निकालते हैं, जो अभी हमने बताया 83 पॉइंट समथिंग आया था, इससे कैनोनिकल कोरिलेशन और इससे हम आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो ये इस तरीके से हमने ये जो सारी चीज़ें हैं डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच।